ज़ॉम 100 की शुरुआत में हम एक बंदे को ज़ॉम्बीज से बचकर भागते हुए देखते हैं। ये बेचारा काम पर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन बाहर निकलते ही ज़ॉम्बी इसके पीछे पड़ गए। तभी दृश्य बदलकर कुछ समय पीछे जाता है, जहां हम इसी बंदे को अपने कार्यालय जाने की तैयारी में देखते हैं। इस बंदे का नाम अकिरा होता है। अकिरा को आज अपनी मनपसंद नौकरी मिली थी और आज इसका नौकरी पर पहला दिन है, लेकिन इस बेचारे के साथ बहुत बुरा होता है। असल में पहले ही इसे दुगना तिगुना काम करना पड़ता है। ऊपर से इसे कोसुकी नाम का अधिकारी इस पर तानाशाही दिखा रहा था। बेचारे अकिरा को काम इतना था कि भोजन भी सही से नहीं कर पा रहा था। ऐसे में अकिरा मानसिक नाव का शिकार बन जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि दूसरे दिन इसकी अपने दोस्त के साथ लड़ाई हो जाती है। अकिरा को अब लग रहा था कि मैंने जिंदगी झंड कर ली, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि एक रात में सारा मंजर बदल जाता है। असल में होता क्या है कि शहर में एक खतरनाक महामारी फैल चुकी थी, जिसकी अकिरा को भनक तक भी नहीं थी। जब ये सुबह सुबह मुंह उठाकर काम के लिए निकलता है, तो इसने एक बूढ़े इंसान को किसी के साथ चुम्मा चाटी करते देखा, लेकिन ये चुम्मा चाटी नहीं बल्कि काटा पीटी कर रहा था। ये एक ज़ॉम्बी होता है, और ये पता चलते ही अकिरा सभी ज़ॉम्बीज से जान बचाता हुआ भागता है और छत पर आ जाता है। और तब अकिरा देखता है कि सारा शहर खंडहर बन चुका है, चारों ओर तबाही मची है। खैर, ऐसे में अकिरा को नौकरी पर भी नहीं जाना पड़ता। तब इस बात से ये इतना खुश होता है कि ये तुरंत जश्न मनाने का फैसला करता है और तैयारी के लिए सामान लेने जाता है। जाते जाते ये अपने पड़ोसियों से भी पूछता है कि और जी क्या हाल, कुछ मंगवाना है? तब वे कहते हैं कि हाँ हाँ, हमारे लिए नान खताई ले आना। इसके बाद अकिरा ज़ॉम्बीज से बचता बचाता नान खताई लेने तो जाता है, लेकिन उससे पहले ये अपनी प्रेमिका के पास जाता है। सोचता है कि उसका क्या चल रहा है, लेकिन जैसे ही अकिरा उसके घर जाता है तो इसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये अपने कार्यालय के एक अधिकारी के साथ गलत हरकत कर रही थी। लेकिन अब वो अधिकारी ज़ॉम्बी बन चुका था, इसलिए अकिरा इसे ठिकाने लगा देता है। वैसे अकिरा में दम बहुत है, क्योंकि ये रग्बी का खिलाड़ी जो रह चुका है। खैर, इधर अब इसकी सहेली भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी, क्योंकि इसको अधिकारी ने काट लिया था। तब ऐसे में बेचारा अकिरा अपनी धोखेबाज प्रेमिका को बिना मारे यहां से चला जाता है। और फिर जब अकिरा नानकताई लेकर वापस आता है, तो ये देखता है कि अब वे पड़ोसी भी नहीं रहे। तब ऐसे में अकिरा सोचता है कि एक ही तो जिंदगी मिली है और मैं इसको ऐसे वैसे तो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करने वाला हूं। ये सोचकर अकिरा पूरी ज्वलंत इच्छा के साथ 100 ऐसे लक्ष्य लिखने की ठानता है, जो इसको ज़ॉम्बी बनने से पहले करने ही करने थे, जिनको फिर ये पूरा करने में जुट जाता है। पहले तो ये अपना कमरा साफ करता है। इसके बाद ये बाजार जाकर मुफ्त की खरीदारी करता है, लेकिन आते वक्त इसके पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज पड़ गए। लेकिन अब तो मानो जैसे अकिरा के लिए ये खेल सा हो गया हो। लेकिन जब ये खाना खाने बैठता है, तो इसे पता चला कि नमक खत्म हो गया। फिर अकिरा नमक लेने के लिए फिर से दुकान जाता है, लेकिन इस बार यहाँ एक सिजुका नाम की लड़की इसे ज़ॉम्बी समझकर इस पर हमला कर देती है। लेकिन ये कहता है, रुक रुक, मैं तो नमक लेने आया था। तभी अकिरा बाहर एक बंदे के पीछे ज़ॉम्बी पड़ा देखता है। तब ऐसे में अकिरा उस बंदे की जान तो बचा लेता है, लेकिन ये ज़ॉम्बी उल्टा इसके और लड़की के ही पीछे पड़ जाता है। तब ऐसे में ये लड़की एक अलग ही अंदाज में इस ज़ॉम्बी को मार गिराती है और बिना अकिरा को भाव दिए यहां से चली जाती है। फिर अकिरा वापस घर आकर अपने उसी दोस्त का हाल पूछने के लिए संपर्क करता है, जिसके साथ इसकी लड़ाई हुई थी। तब अकिरा का दोस्त केमचो अपने दोस्त की दोस्ती जानकर भावुक हो जाता है। बहरहाल, केमचो एक अश्लील होटल में फंसा हुआ था। ऐसे में अकिरा अपने दोस्त केमचो को बचाने की ठानता है और मोटरसाइकिल लेकर शहर का बुरा हाल देखता हुआ ज़ॉम्बीज से सावधानी बरतता हुआ होटल के पास आता है। लेकिन यहां पर तो ज़ॉम्बीज की भीड़ लगी हुई थी। तब ऐसे में अकिरा एक स्पीकर में गाना बजाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाकर अंदर चला जाता है। तब केमचो अपने दोस्त अकिरा की दोस्ती देखकर भावुक हो जाता है। अकिरा यहां अपनी लड़ाई की माफी मांगता है। तभी यहां ज़ॉम्बी आ जाते हैं। तब ये दोनों जल्दी से पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर मजे से खाना पीना करते हैं। लेकिन तब वैसे ही केमचो अकिरा की लक्ष्य वाली पुस्तक उठाकर देखने लगता है और तब उसमें केमचो को बचाने वाला लक्ष्य देखकर इसे रोना आ जाता है। इधर अकिरा इंटरनेट से खोजबीन करके पता लगाता है कि मरीन पैराडाइज एक्वेरियम नाम की जगह पर एक ऐसी पोशाक है जो इतनी मजबूत है कि उस पर ज़ॉम्बीज के दांतों का कोई असर नहीं होता। अकिरा कहता है कि हमें वहां इसे लेने जाना होगा। ये सुनकर केमचो बोला कि ये तो कमाल का विचार है। इसके तुरंत बाद फिर ये दोनों अपना सफर तय करने के लिए जैसे ही बाहर निकलते हैं, तो तभी पास ही में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज यात्रियों पर हमला कर देते हैं। ये दोनों कुछ गिने
चुने यात्रियों की जान बचा लेते हैं, जिनमें से एक वही लड़की शिजुका भी थी। ये सभी एक दुकान में छिप जाते हैं। तभी दरवाजे के नीचे से एक जॉम्बी अपना हाथ घुसा देते हैं, जिसको ये दोनों काट डालते हैं। इन बस यात्रियों की बातों से इन्हें पता चलता है कि ये भी मरीन पैराडाइज एक्वेरियम जा रहे थे। तभी ये ड्राइवर रोता हुआ कहता है कि मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा इसने इसलिए कहा क्योंकि इसको जॉम्बी ने काट लिया था, जो ये इन सभी से छिपा रहा था। खैर, फिर यहाँ पर ये दो लड़कियां नशा कर लेती हैं और केमचो को कहीं पर खींच कर ले जाती हैं। वहीं इधर जब अकिरा इस लड़की सिजुका से बात कर रहा था, तो तभी वो बस ड्राइवर जॉम्बी बन जाता है। तब ये दोनों जल्दी से जाकर छिप जाते हैं। इधर ये चरित्रहीन लड़कियां केमचो के साथ खेला खेली कर रही थी, लेकिन तभी इनके पीछे से बस ड्राइवर आकर एक लड़की को काट लेता है। जब दूसरी लड़की इसे छुड़ाने जाती है, तो ये इसे भी काट लेता है। तब ऐसे में ये तीनों जल्दी से दुकान से बाहर निकलते हैं और एक कैंपर गाड़ी में बैठकर जॉम्बीज से बचकर निकल जाते हैं। अब ये मरीन पैराडाइज एक्वेरियम जाने के लिए सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर के बीच में ये सभी मजे भी करते हैं। वैसे ये सभी लोग जॉम्बीज के बीच पूरे मजे कर रहे हैं। खैर, फिर जब ये सभी सफर करते हुए दूर से मरीन पैराडाइज एक्वेरियम देखते हैं, ये काफी करीब आ चुके थे, लेकिन तभी इनकी कैंपर गाड़ी के पहिया फट जाता है, जिससे इनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़कर ये ठुक जाती है और सर टकराते ही ये सभी बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ वक्त बाद जब अकिरा की आंखें खुलती हैं, तो अपने आप को मरीन पैराडाइज एक्वेरियम में कोसुकी के सामने पाता है। कोसुकी अकिरा को बताता है कि हम यहां पर विज्ञापन की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन तभी हमें खबर मिली कि दुनिया भर में जॉम्बी महामारी फैल रही है। तब ऐसे में हमने यहीं पर ठहरना सही समझा। मांसाहारी कोसुकी ने मछली बाकी सुविधाओं का लालच देकर लोगों को यहीं रोक रखा था। ये बुजदिल यहां पर भी अपनी तानाशाही में लगा हुआ था। तभी अकिरा यहां अपने उन्हीं पड़ोसियों को देखता है, यानी ये मरे नहीं थे बल्कि यहां आ गए थे। एक्वेरियम के दरवाजे पर कोसुकी जॉम्बीज को सुरक्षा कर्मियों की तरह इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ ये लोग पहले आवाज करके सभी जॉम्बीज को इकट्ठा कर लेते थे और मौके पर ही अंदर घुस जाते थे। अब यहाँ पर मजबूरन अकिरा भी गुलामी करने लगता है। लेकिन एक बार क्या होता है कि जब कोसुकी का एक कर्मचारी ट्रक में माल भरकर ला रहा था, तब एक जॉम्बी भी इसमें घुस जाता है, जो इसे पता भी नहीं चलता। फिर जब ये मरीन पैराडाइज एक्वेरियम में जाकर ट्रक खोलता है, तब तुरंत ही वो जॉम्बी इसे काट लेता है, जिससे इनके सभी जॉम्बी सुरक्षा कर्मी शोर शराबा सुनकर हमला कर देते हैं। ऐसे में सारे एक्वेरियम में हड़कंप मच जाता है। सारे एक्वेरियम के अंदर जॉम्बी भर गए थे। कुछ जॉम्बीज को शार्क मछली ने भी खा लिया था, जिसके कारण ये भी जॉम्बी बन जाती है और बाहर निकलकर कोसुकी के एक साथी को चबा जाती है। तब सिजुका कहती है कि हमें इससे कोई खतरा नहीं, क्योंकि अब ये पानी से बाहर है। लेकिन शार्क के अंदर मौजूद जॉम्बी इसका पेट फाड़कर अपने पैर बाहर निकाल लेते हैं, जिसकी मदद से ये शार्क अब चलने भी लगती है। तब ये देख ये सभी शार्क से बचते हुए एक कमरे में छिप जाते हैं, लेकिन बाहर कोसुकी रह गया था, जिसकी जान बचाने के लिए अकिरा आखिरकार पोशाक पहन कर जाता है। लेकिन ये शार्क अकिरा पर भारी पड़ने लगती है। तभी यहाँ केमचो माल उठाने वाली गाड़ी लेकर आता है, लेकिन ये इस गाड़ी पर भी नहीं संभलती। शार्क अब काफी हड़कंप मचा रही थी। तब सिजुका को एक कमाल का विचार आता है। ये लाइट की बैटरियां निकालती है और केमचो को अकिरा की ओर फेंकने को कहती है और शार्क की नाक पर मारने को कहती है। फिर अकिरा बैटरियां पकड़ते ही बैटरियां शार्क की नाक पर दे मारता है, जिसके तुरंत बाद ही शार्क की सारी इंद्रियां ठप पड़ जाती हैं और ये मारी जाती है। इसके बाद ये तीनों और बाकी सभी लोग इस जगह से जाने लगते हैं। तब कोसुकी इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लोग इसका विरोध कर देते हैं और अपने अपने रास्ते हो लेते हैं। अकिरा भी अपने साथियों के साथ आगे के सफर पर निकल जाता है और कोसुकी खड़ा देखता रह जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही समाप्त हो जाती है।